नितेश तिवारी जो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुके हैं एक अच्छी रामायण देने के लिए, जहाँ इस पर एक डायरेक्टर का विजन कैसा होगा, इसी पर डिस्कशन की प्रक्रिया अपने एनिमल के कर्ता धर्ता निर्माता से पहले कर लेते हैं, जहाँ बात एक्टर से पहले डायरेक्टर की आ जाती है, क्योंकि एक अच्छा मकान तभी बन पाता है जब मजदूर मालिक के अनुसार काम करे। जहाँ मालिक की कुर्सी पर तुम नितेश तिवारी को समझ लेना और मजदूर हाँ एक्टर, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि वहाँ पेंशन नहीं मिलने वाली। एक डायरेक्टर ही होता है जो अपनी अच्छी बुरी मूवी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो बुरी चीज़ उसके लिए अच्छी ही होती है जब तक कि वो प्रोग्रेस में होती है, इवन उसके बाद भी। क्योंकि तुम इसको ऐसे सोच सकते हो कि अगर कोई बंदा कुछ सोच कर बना रहा है तो वो चीज़ उसके लिए अच्छी ही होगी, तुम्हारे लिए बेशक वो खराब बुरी चीज़ हो सकती है, पर उसके लिए तो वो मिलता हीरा ही है ना, जब तक कि वो खो ना जाए। खैर ये इतना ही आसान होता तो हम भटकते ही क्यों अपने नितेश तिवारी के रामायण से, जो अपने स्टार की वजह से एक पावरफुल वेपन के रूप में लोडिंग पर अभी चल रही है। रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम, यश एज रावण, साई पल्लवी एज सीता माता, जिसके रूमर्स ये भी थे कि साई पल्लवी की जगह जाह्नवी कपूर अपना प्ले कर सकती है इस करेक्टर को, पर ये नहीं हो तो ही अच्छा है, तो ही ठीक है। मौसमी और अंगूर में काफी फर्क होता है। आगे अपने सनी देओल, जिनको हनुमान जी के रोल के लिए अप्रोच किया गया, लॉर्ड बॉबी एज कुंभकर्ण, लारा दत्ता एज केकई, विजय सेतुपति एज विभीषण, रकुलप्रीत सिंह एज सुपनका, और अरुण गोविल जी जो कि अपनी ओरिजिनल रामायण में राम जी के किरदार में नजर आए थे, उन्हें दशरथ के रोल के लिए अप्रोच किया गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण कास्टिंग अभी बाकी है। लक्ष्मण जी की जो कि एक अच्छा फेस, वो गुस्सा, वो शरारती वाली पर्सनैलिटी चाहिए होगी, जिसे नितेश तिवारी कैसे इसे बड़े पर्दे पर सजाते हैं वो एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि जहां उनकी पिछली मूवीज उठाकर देखी जाए तो अंदाजा यही लगता है कि तीर निशाने पर ही लगेगा, जिसमें कोई शक वाली बात तो पैदा नहीं होती, पर डर तो रहता ही है। चिल्लर पार्टी, बवाल, छिचोरे, दंगल, जिनके भरोसे ही भरोसा टिक जाता है, जो कि नितेश तिवारी इस गुड एंड बैड वर्क को दर्शाती है। खैर तुम इस पर क्या धारणा रखते हो, जिसके साथ मैं वायलेंस मैन की किताब भी खोलना चाहूंगा अपने संदीप रेड्डी वांगा। जानवरों के चहेते इंक्लूडिंग मी, कुछ खामियां रह जाती है जिनको तुम पूरा करने की कोशिश करते हो, जो कि सीधा मतलब कि एनिमल में भी कम था, स्प्रिट आने दो। डिस्क्लेमर, बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इस पर विचार विमर्श कर लेना, और इसके 1.5 साल अभी मान के चलना, जहाँ प्रभास भी सलाटू में बिजी हो जाएगा, और हर अच्छी चीज को बनने में समय लगता है, जो कि मेकर जितना समय इसके स्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा, जिसमें कि संदीप रेड्डी वांगा, बंदे का अपनी मूवी के हर डिपार्टमेंट में हाथ होता है, स्क्रिप्ट, डायलॉग, एडिटिंग, यहाँ तक कि म्यूजिक कैसा होगा, बीजीएम कैसा होगा, इसके गाने कैसे होंगे, तो एक ऐसी पॉजिटिविटी हो जाती है जो एक अच्छी फिल्म को बेहतर फिल्म का दर्जा दे देती है। तुम कबीर सिंह को यहाँ रखकर देख सकते हो, कौन ऐसा कर पाता है जिसकी एक ही मूवी अभी रिलीज हुई हो, जिसको लेकर मैं आराम से बैठा, तुम आराम से बैठे कि 2 साल ले लो स्प्रिट के लिए, अपना आराम से ध्यान पूर्वक बढ़िया सा काम करो, अपने मन की करो, जहाँ अपने भूषण कुमार भी तो यही कह रहे होंगे। खैर बंदे का विजन क्या है, प्रभास के साथ स्प्रिट, रणबीर कपूर के साथ एनिमल पार्क, एंड एक अल्लू अर्जुन के साथ मूवी, जो कि ये कन्फर्म है, जिसके बाद अपने सलमान भाई के साथ एक मूवी की खबरें आ रही थी, पर ये संभव मुश्किल हुआ, जहाँ तक कि तुम्हें भी पता है कि ये सब खबरें ही हो सकती है, अफवाह ही हो सकती है, पर ये सुनने में ही कितना टॉक्सिक हो जाता है कि राधे इस बैग, जिस पर कि अमल करना उतना ही मुश्किल है जितना कि नोरा फतेही की आंखें देखना। सोचो बंदे ने रणबीर कपूर को लेकर आग लगा दी, तो प्रभास ने तो सलार हिट कराई है, नहीं मुझे पसंद है सलार, वो बिखरे हुए परिंदों को एक साथ जोड़ना, प्रशांत नील बंदा डार्क एस डार्क कलर मूवी बनाने के लिए हमेशा तत्पर है, एक डायरेक्टर करण जौहर भी हो सकता है, और एक डायरेक्टर राजामौली भंसाली, राघवन हिरानी, एटली कनगराज वांगा एंड अदर्स बहुत सारे हैं, जिनमें तुम्हें करण जौहर को भी पसंद करना पड़ता है, और इन्हें तो आप पसंद करते ही हो, जिसमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि एक ने तुम्हें शाहरुख खान दिया है और एक ने तुम्हें कॉन्टेंट। खैर ये समय की बात हो जाती है, कल ही एंड कल सी, और बस यही सब डिस्कशन था, इसके बाद बात किसी और दिन कभी बड़े मुद्दे पर करेंगे, और बाकी तब तक देखते रहो बेयर बैग क्रिएट।